स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोयल। पहले मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल के बारे में बताया था, तो आज आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोयल। सोयल हमारे लिए इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी वृद्धि और मजबूती, और जो उनकी मजबूती होती है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, और आपकी मिट्टी से ही उनको न्यूट्रिशन वैल्यू पाए जाते हैं जिसके कारण उनकी ग्रोथ होती है, उनका डेवलपमेंट होता है। देख, आपने सुना भी होगा कोई कोई पेड़ बहुत कई सालों तक सालों साल तक चलते हैं, वो इसलिए चलते हैं क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिशन जो मिट्टी की होती है, सोइल की न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अधिक होती है, उसी के कारण वो सालों साल तक चलते हैं। जो आपके फसल में आपके जो आप बागवानी लगा रहे हो उसमें आप, या साग सब्जियां लगा रहे हो उसमें आपकी जो सोइल होती है मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। जो आपकी सोइल होती है, टाइप्स ऑफ सोइल, वो टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट होता है रासायनिक गुणों के आधार पर, फर्स्ट सोइल, और सेकंड होती है भूमि के कणों के आधार पर। ये टाइप्स ऑफ सोइल होती है टू टाइप्स की। इनके जो इनके भी टाइप्स होते हैं जो हम आज उनके बारे में आपको बताएंगे। आपकी जो फर्स्ट टाइप्स होता है सोइल का, वो होता है रासायनिक गुणों के आधार पर। उसमें क्या होता है, रासायनिक गुणों के आधार में इसमें आपकी जो भूमि होती है वो कहाँ क्षारीय भी होती है, अम्लीय भी होती है ना। कुछ भूमि में कैल्शियम कार्बोनेट भी पाए जाते हैं, कुछ भूमि आपकी पूरी न्यूट्रिशन वैल्यू की भरपूर मात्रा होती है। जो इसमें क्या, इसमें इस भूमि के बारे में आपको बताया जाता है कितनी, कौन सी भूमि किस वर्क के लिए यूज़ की जाती है। तो फर्स्ट होती है आपकी कार्बनिक भूमि। कार्बनिक भूमि में क्या होता है, आपकी जो कार्बनिक भूमि है उसमें कार्बनिक जो पदार्थ की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। जो इसका स्वभाव होता है वो अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। यह उन जगहों पर अधिक पाई जाती है जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, ठीक है। ये ऐसी जगह पे पाई जाती है, या बरसात बोल सकते हो आप, वर्षा, जहाँ पे इनकी अधिक मात्रा पाई जाती है। इसमें क्या होता है, आपकी जो कार्बनिक भूमि होती है वो उसमें का जो कार्बनिक, जो आपकी कार्बनिक न्यूट्रिशन होता है वो सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका चूना युक्त भूमि। चूना युक्त जो भूमि होती है, ये ऐसी भूमि में चूना की, जो चूना होता है उसकी मात्रा अधिक रहती है। चूना की मात्रा क्या है, अधिक रहती है, जिसको आप कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हो, या आप उसको चूना, चूने की भूमि बोल सकते हो, या आप उसको कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा भी बोल सकते हो, अधिक पाई जाती है। ऐसी भूमि क्षारीय होती है, ठीक है। जो ऐसी भूमि होती है वो क्षारीय होती है। इस मिट्टी में, जो ये मिट्टी होती है, इसमें सब्जी या फल उगाने के लिए जल एवं खाद की अधिक आवश्यकता होती है। जब आप फसल, या आप जब फसल लगाते हो, आप साग सब्जी लगाते हो, तो इसमें क्या होता है, आप इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ी ग्रोथ न्यूट्रिशन वैल्यू डालने के लिए आप गोबर का खाद, हरी खाद, खली की खाद, या आप हरी खाद, ये सब डालते हैं जिससे कि इसकी और न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाए। और इसमें क्या होता है, इस भूमि में जल जल की जो मात्रा है वो भी अधिक देनी पड़ती है क्योंकि ये जल्दी सोख जाती है, और ये उस वाले क्षेत्र में कम पाई जाती है जहाँ पर वर्षा है, उस वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है, जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है उस क्षेत्र में इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी, नेक्स्ट है आपकी कंकरीली। इस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ एवं पत्थर की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें जल सोखने की क्षमता अधिक होती है, जल को बांधने की क्षमता कम होती है। यह पहाड़ी एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। आपने देखा क्योंकि इसमें जल तो सोख लेती है मिट्टी, बट जब आप मेड़ लगाते हो तो वो मेड़ टूट जाती है, बांध नहीं पाते हो, तो इससे क्या होता है, वो फैल, मिट्टी वहीं पे फैल जाती है, बट सोख तो लेती है पर फैल जाती है, जिससे कि आपने देखा होगा इसमें न्यूट्रिशन जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, और इसमें आप साग सब्जी और यह बगीचा भी कम लगाते हो क्योंकि बहुत कठिन होता है लगाना। नेक्स्ट है आपके खनिज भूमि। खनिज, इस प्रकार की जो, इस प्रकार की मिट्टी में सभी न्यूट्रिशन वैल्यू पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि जो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की मात्रा है वो बहुत अधिक होती है।
इस ऐसी भूमि में आप बागवानी के लिए ये ऐसी भूमि आपकी बागवानी के लिए अधिक उत्तम होती है। इस प्रकार की मिट्टी होती है ये उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम और आपका दक्षिण भारत के उपजाऊ क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी अधिक पाई जाती है। इस भूमि में चिकनी जो ब्लूई मिट्टी दोमट मिट्टी होती है वो भी आपकी पाई जाती है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू अधिक होती है। आपका यूपी भी आता है, उसमें आप गन्ने की फसल और आप गेहूँ, धान, कपास ये भी बो सकते हो, क्योंकि ये भूमि सबसे अच्छी भूमि होती है। उसमें पानी सोखने की क्षमता भी बहुत अधिक होती है। आप 10 दिन या 15 दिन ऐसे भी करके आप पानी देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट आपका बैठता है भूमि के कणों के आधार पर फर्स्ट पॉइंट है आपका ब्लोई भूमि। इसमें जो ये भूमि होती है इसमें जो कण के आकार होते हैं वे बड़े होते हैं, तथा आप जब उसको छुओगे तो उसे देखने में आपको खुरदरे दिखाई देते हैं। स्पर्श करते हो तो स्पर्श करने पर आपको वे खुरदरे से दिखाई देते हैं। इसमें अंकुरण की जो क्षमता होती है ये बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि ये दो कण एक दूसरे के साथ चिपके हुए रहते हैं, तो ये चिपके हुए नहीं रह पाते। इस प्रकार के जो कण से निर्मित भूमि है जल सोखने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है, लेकिन इसे रोक रखने की क्षमता नहीं होती, मतलब बांधने की क्षमता कम होती है। कणों के जो इनके कण होते हैं उसमें एक खाली स्थान पाया जाता है कि जो बीच में एक खाली स्थान होने के कारण ऐसी भूमि जल अवशोषण या जड़ों को पकड़ने में कम होती है। आप जब फसल लगाते हो तो ये जो होती है इसकी न्यूट्रिशन जो क्षमता होती है वो अधिक होती है, बट आप जब मेड़ लगाते हो या पानी खेत में डालते हो या जहाँ बगीचे में डालोगे तो वो पानी फैल जाता है, जिस कारण क्या होता है वो बांध नहीं लग पाता है। तो इस प्रकार की इस मिट्टी में के जो कण होते हैं उसमें एक बीच में गैपिंग आता है, जिससे क्या होता है आपका जल अवशोषण करने की क्षमता होती है, या आपके पेड़ पौधे होते हैं उनको जड़ जमीन में जाते हैं तो वो एक तरीके से उनको जमीन में जड़ें मजबूत करने के लिए जो पकड़ होती है वो भी बहुत कम पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका ब्लोई दोमट मिट्टी। यह मिट्टी ब्लोई भूमि की मिट्टी की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। जो आपकी ब्लोई भूमि होती है उसकी अपेक्षा ये अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि इसके जो गुणों के माध्यम वाले जो खाली स्थान होते हैं वे कम होते हैं। जो आपके कण होते हैं उनके जो खाली स्थान होता है, मतलब जो बीच का गैपिंग होता है वो कम होता है। इस प्रकार की मिट्टी खाली स्थानों की संख्या 36% होती है। जो बीच की मिट्टी होती है और जिसमें जो गैप पाया जाता है उसके स्थानों की जो संख्या होती है वो 30% होती है। 30% होने के कारण 30% होने के कारण ये ज़्यादा अपेक्षित होती है, और इसका जो मिलकर इसका कम यूज चिकनी मिट्टी के साथ इसका यूज़ किया जाता है। जो चिकनी मिट्टी होती है इसके साथ मिलाकर इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनके कणों के मध्य जो रिक्त स्थान कम होता है इसलिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको मिलाकर इसका क्यों जाता है, जो इसके कण होते हैं वो 0.05 से 0.1 किलोमीटर के आकार के होते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। जो आपके भूमि के बीच का गैपिंग का जो स्थान की जो संख्या होते हैं वो 36% होती है, बट उसके कणों का जो आकार होता है वो 0.05 से लेकर 0.1 किलोमीटर के आकार के होते हैं। नेक्स्ट है आपकी थर्ड आपका आता है दोमट मिट्टी। इस प्रकार की भूमि में जो इस प्रकार की मिट्टी होती है वो बागवानी के लिए सर्वोत्तम होती है, क्योंकि इसमें जल सोखने तथा रोकने दोनों की क्षमता अधिक पाई जाती है, और जो इसका न्यूट्रिशन वैल्यू होता है वो भी अधिक होता है, जिससे कि पेड़ों को ग्रोथ करने में, उनका डेवलपमेंट करने में, जड़ें मजबूत करने में, है ना, तो वो इसके जड़ें मजबूत करने के लिए भी उपयोगी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका दोमट मिट्टी। यह मिट्टी भी उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें
इसमें 30 आपके 20 से 45% बालू उपस्थित होती है। इसमें क्या होता है, आपकी जो ये मिट्टी होती है दोमट मिट्टियार, इसकी जो मिट्टियार की भूमि है देखने में बहुत हल्की आपको दिखाई देगी, भुरभुरी या आपको काली नज़र आती है, जिसमें इसकी न्यूट्रिशन जो तत्व होते हैं वो अपूर्ण भंडार होते हैं, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू सबसे अधिक पाए जाते हैं और इसमें अधिक समय तक ये सूख नहीं पाती, सूखा नहीं, इसमें सूखने की क्षमता अधिक पाई जाती है क्योंकि इसमें मिट्टी पर जगह जगह पर निशान पड़ जाते हैं जिससे इनका तन बिगड़ जाता है। और इसमें 20 से 22% तक बालू की मात्रा भी होती है। और इसमें आप जो फसल बो सकते हो वो चना मटर एवं आलू आदि की फसल के लिए यह मिट्टी अधिक उपयुक्त रहती है। नेक्स्ट है आपका चिकनी मिट्टी। चिकनी जो मिट्टी होती है, भूमि होती है, वो तालाब या आपके झील की सतह पर पाई जाएगी, पाई जाने वाली मिट्टी होती है ये, पाई जाने वाली काली तथा चिकनी मिट्टी होती है। जल के साथ इनमें इस भूमि की मिट्टी लसदार होती है, बहुत ललचिली होती है और एवं मुलायम हो जाती है। आपने देखा होगा जब इस मिट्टी को ले आप स्पर्श करोगे तो ये लसदार दिखाई देती है और चिकनी दिखाई देती है, मुलायम हो जाती है। जो इसका गुण होता है वो जल की क्षमता सोखने की क्षमता के कम पाई जाती है, जो जल सोखने की क्षमता होती है उसमें कम होती है, इससे जल को सोखने की क्षमता कम पाई जाती है, इसलिए इसका यूज़ भी कम किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी पथरीली मिट्टी। पथरीली मिट्टी भूमि क्या होती है, पथरीली भूमि अर्थात पथरीली भूमि वो होती है जो कंकड़ पत्थर युक्त मिट्टी ऐसी होती है जिसमें आप बागवानी के लिए इसका यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक मात्रा इसमें क्या होता है, आप जो आप फसल उगाते हो या बागवानी करते हो उसका यूज़ नहीं किया जाता। और ये आपको जो पथरीली भूमि होती है ये आपको पहाड़ी क्षेत्रों पे अधिक पाई जाती है। इस प्रकार की भूमि मिट्टी बागवानी के लिए उत्तम भी होती है और कहीं जगह उत्तम भी नहीं होती है, क्योंकि जो इसके क्या होते हैं, जो इसके कंकड़ पत्थर होते हैं वो जो जड़ें हैं वो कम मजबूत करते हैं, बट कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो सालों साल तक वहाँ पर खड़े रहते हैं, ठीक है ना। ऐसे करके आपके टाइप्स ऑफ सॉइल कंप्लीट हो चुके हैं।